सा ये भी बताओ कि ये दूध भी देता है असली में? हाँ जी सही दूध दिंदा ये, जो कि सुन दिखा दें कोई गल नहीं है, तो दुध तो असं कढ़ते रहने तो फिर इस तरह दुध देन लग जाता जी। दुध आप बकरी का कड़ा यूज करते हैं इस तरह यूज कर लें जी, तो एक किलो दुध दे दिता जी। नमस्कार, फार्मिंग बाबा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी जानकारी आपको मिल सके। किसान भाइयों, जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर से जब हमें कोई फ़ायदा होता है तो हम एक मुहावरे का अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि सोने पे सुहागा। तो आज भी हम इस वीडियो में एक ऐसा बकरा आपको दिखाएंगे कि जो ये मुहावरा है सोने पे सुहागा, ये वाकई सच होने जा रहा है, क्योंकि एक बकरा आपको दिखाएंगे जो कि काफ़ी सुंदर है, काफ़ी कद वाला बकरा है, ऊपर से वो दूध भी देता है। और एक बकरा होने के साथ साथ जैसे बकरियां भरवानी है वो भी काम करता है और दूध भी बकायदा ये बकरा देता है। तो आपको एक बार मैं तस्वीर ज़रूर इस बकरे की दिखाऊँगा, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सुंदर बकरा है ये, बीटल किस्म की नस्ल है और 6 दांत का छोटी उम्र का बकरा है। और किसान है जो जिनका ये बकरा है वो हमारे साथ मौजूद हैं, कुलवंत सिंह इनका नाम है। कुलवंत जी से जानेंगे क्या कुछ है और कैसे मतलब ये दूध देने लगा, कब से दे रहा है। कुलवंत जी स्वागत है तुहाडा फार्मिंग बाबा में। सत श्री अकाल जी सारे नूं, पहली गल तां कुलवंत जी इस बकरे के बारे में थोड़ी जानकारी दो, कितनी उम्र है और क्या कुछ कौन सी नस्ल है? ये 6 दांद जी ये हुण पूरे कढ ले हैं, तो उदों बाद हुण एक होर ये दंद कर लूगा, फिर पूरे दंदा का हो जूगा ये। हजे मन के 2.5 साल का बच्चा जी ये, तो शेरे रंग दा प्योर हैगा जी ये, कन्ना कुन सिंग सुंग बहुत चौड़ा है, तो बच्चे बहुत साफ सुथरे आते जी ये। तो असी हुण एक होर बकरे लए है, किवें मन के चलो सेल कर देंगे जी, कोई सेल भी आवे तो कोई तो सेल असी कर देंगे जी। तो दुध तो यह जी दे रहा जी, ये दुध तो आप कढ़ते रहिए तो हर टाइम बकरा दुध दिता रहा जी ये। तो किसान भाइयों, जो ये किसान भाई बता रहे हैं, मैं साथ के साथ हिंदी में बताता चलूँगा, ये बता रहे हैं कि 6 दांत का ये बकरा है। तो मैं एक बार जो भाई हमारे साथ है उनसे कहूँगा कि इसके दांत भी ज़रा दिखाएं, हम आपको दांत भी दिखाएंगे, दिखाओ इसको ज़रा खोल के कितने दांत हैं। तो भाइयों आप देख सकते हैं कि वाकई 6 दांत का बकरा है। और कद कितना है इसका? कद 42 इंच कद है। तो इसका अभी कद है जो 42 इंच का है। तो आगे ले आओ भाई थोड़ा सा, तो आपको मैं दिखा दूं पूरा बकरा, आप देख सकते हैं और बड़ा सुंदर बकरा है। तो 6 दांत का 8 दांत तक इसने जाना है, तो अभी कद है जो और करेगा। इसकी इसका जो वज़न है कितना होगा? मेरा वज़न 85 किलो वज़न है। तो किसान भाइयों आपकी क्वालिटी जो आपको मैं नज़दीक से दिखाऊं, आप देख सकते हैं क्वालिटी की पहचान है जो बीटल की, लंबे कान होने चाहिए और सींग पीछे को चपटे मुड़े होने चाहिए, नाक गोल होना चाहिए और आँख भी आप देख सकते हैं इसकी सफ़ेद आँख का, जो आमतौर पे किसानों को क्रेज़ है सफ़ेद आँख का, वैसा ही बिल्कुल बकरा है। और आप इसके खुर भी देख सकते हैं, बाकमाल सुंदर खुर है इसके। और एक चीज़ जो मैंने वीडियो के शुरुआत में कही कि ये बकरा जैसे सोने पे सुहागा वाला मुहावरा है वो सच कर देता है। तो कुलवंत जी से जानेंगे, भाई जी थोड़ा सा ये भी बताओ कि ये दूध भी देता है असली में? हाँ जी सही दूध दिंदा ये, जो कि सुन दिखा दें यह कोई गल नहीं है, तो दुध तो असं कढ़ते रहने तो फिर इस तरह दुध देन लग जाता ये बच्चा। तो चल रहा है इसका, और मैं एक बार आपको ना नज़दीक से ज़रूर दिखाऊंगा कि थन आप इसके देख सकते हैं। सेवक भाई एक मिनट रुक जाओ आप, मैं किसान भाइयों को ज़रा थन इसके दिखा दूं मैं। आप थन देख सकते हैं इसके, तो ये 2 थन है जो ये वाले 2 थन, इनमें से जो ये बकरा दूध देता है और वैसा ही जैसा कि एक बकरी दूध देती है। तो कुलवंत भाई जो ये दूध दे रहा है, कब से दूध देने लग गया, ऐसा कैसे हो गया ये चमत्कार? ये इस तरह ही कदों मन के चलो 1.5 साल का सी दुध असी हाथ लाने लग गए थाना जी, ये थाने से बढ़ गए जी, वो दुध धार लिया, कुछ असी खुराक पाने जी, खुराक के हिसाब से दुध धार लें। अच्छा, इसको डाइट अच्छी देते हो गए है ना, खुराक अच्छी देते? हाँ जी हाँ जी, बड़ेवे वाली खल पा दें इन जी, किमें हूँ गर्मी के शरबत पियाने जी, शाम गुड़ भिओं के रख दें, कुछ फरकड़ी भिओं के रख दें, वो दोनों मिक्स करके पियाने इन्हों, क्योंकि ज़्यादा गर्मी ना लगे जी।
सर्दी दे विच इहनूं ही काढ़ा पिउणा गर्म करके नाल ही सारे पशुआं दे बिल्कुल नाल ही पींदा होया। तो किसान भाइयों जो जो ये डाइट बता रहे हैं वो बड़ी अच्छी कीमत की डाइट है जिससे के जो बकरा है उसका वजन भी बढ़ता है और वो मतलब दूध भी देने लग गया है। और बता रहे हैं करीब 1.5 साल का था ये जब तब से ये दूध दे रहा है। तो कितना दूध दे देता है ये असं मान के चलो जी एक तो एक दुध आप बकरी का कड़ा यूज कर इस तरह यूज कर लें जी तो एक ये किलो दुध दे देता जी ये। अच्छा तो कुलवंत जी ये जो दूध देता है बिल्कुल इसका स्वाद जैसे एक बकरी वाले दूध का वो ही है या फिर अलग है? हाँ बकरी का दुध का स्वाद ही है बकरी दे विच के मैं मान के जो दुध विच विच मिक्स हो जाता सारा उस तरह उही खुराक खांदा जी ये भी ते विच मिक्स हो जाता ये। तो आप भी इसका मतलब पी लेते हो दूध वगैरह जैसे चाय वगैरह बना के पी लेते? हाँ चाय चू बना लेने तो पा लेने विच ही हाँ। तो भाइयों ये बता रहे हैं भाई के इसका जो दूध है करीब 1 किलो दे देता है ये दूध और वैसा ही इसका टेस्ट है जैसे बकरी का दूध है और इसको यूज़ भी रोज़ करते हैं चाय वगैरह बनाकर इसकी बकायदा पीते हैं। तो कुलवंत जी जैसे आपने ये बताया कि दूध देता है ना तो मतलब ऐसे कैसे हो जाता है कुछ है कुछ आपको अंदाजा के कोई मतलब आइडिया नहीं? नहीं वो तो इस तरह ही कुछ जात के हिसाब ना जी कुछ किमें टेस्टिकल बहुत लंबे हैं तो टेस्टिकल के हिसाब ना सर निकले होंगे जी ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਪਿਓਰ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਟੈਸਟੀਕਲ ਲੰਮੇ ਹੋਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੌੜੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਸਣ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਟੈਸਟੀਕਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ ਤੋ ਔਰ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਕਾ ਹੋਗਾ ਅੱਛੀ ਜਾਤ ਕਾ ਹੋਗਾ ਤੋ ਉਸਕੇ ਜੋ ਥਣ ਨਿਕਲੇਂਗੇ ਹੀ ਔਰ ਅਗਰ ਹਮ ਉਨਕੋ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੇ ਆਦਤ ਡਾਲੇਂਗੇ ਤੋ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣੇ ਲੱਗੇਗਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ 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 ਜਮਾ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿਓਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਬੀਟਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਇੱਕਦਮ ਬੀਟਲ ਹੈ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਅਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਥਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਜੈਸੇ ਕਿ ਦੂਧ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮਗਰ ਅਗਰ ਹਮ ਬੱਕਰੀ ਕੋ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਏ ਬੱਕਰੀ ਕੋ ਭਰਵਾਏ ਤੋ ਇਸਕਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਕੱਢਦਾ ਜੀ ਛੇਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਈ ਰੰਗ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। अभी है आपके पास कोई भी इसका बच्चा? मेरे बच्चे इतने है एक दो बच्चे फिरते साढ़े नाल जी छोटे वो दिखा देने दिखाओ आ जाओ फिर मैं साथ के साथ। किसान भाइयों आपको एक बार ज़रूर दिखाऊंगा मैं क्योंकि कई किसान भाइयों के मन में ये जाएगा कि ये बच्चा ये जो बकरा है दूध दे रहा है तो शायद ये बकरे वाले काम ना कर सके तो इसलिए हम आपको ज़रूर एक बार दिखाएंगे कि जो इसका रिज़ल्ट है जिस बकरी से ये क्रॉस करवाया है तो जो इसका रिज़ल्ट निकला है वो आप देख सकते हैं। रिज़ल्ट भी कितना सुंदर है इसके कान भी देखें आप बच्चे के लंबे चौड़े कान हैं नाक भी बिल्कुल मुड़ा हुआ है इसका सफ़ेद आँख है जैसे इसके पिता की है जो बकरा दूध दे रहा है और पीछे को मुड़े हुए सींग है ये भी आप देख सकते हैं ये भी उसी का बच्चा है शेरा है दोनों शेरे हैं और ये भी सुंदर बड़े चमकदार बच्चे निकले हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो ये आप बकरा देख रहे हैं जो दूध भी दे रहा है एक और ये बच्चा जो कुलवंत भाई हमें दिखा रहे हैं ये देख सकते हैं आप सुंदर कान है लंबे और नाक इसका भी मुड़ा हुआ सफ़ेद आँख है। तो ये दिखाने का मकसद यही है कि किसान भाइयों को कि जिन लोग भाइयों के मन में जा रहा होगा कि ये शायद दूध दे रहा है तो बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा पर ये बिल्कुल कर रहा है चमत्कार वाली बात है। देखो दूध भी दे रहा है और दूसरा जो बच्चे पैदा वाला काम भी कर रहा है। और कुलवंत भाई थोड़ी जानकारी दो इसकी देखभाल कैसे करते हो जैसे इसमें कितने टाइम खिलाते हो इसको खाना? क्यों मान के चलो दिने के नाल साढ़े बकरियों के नाल ही होंगे जी ये नाल चरदा जी ये शाम को जाके इन्हू हुण मक्की भी पाने कणक भी मिक्स करके पाने इन्हू तो मक्की और गेहूँ शाम को ये बकरे को खिलाते हैं और दिन में जो बकरियों के साथ ही चारा डालते हैं। इसको कौन कौन सी समस्या आ जाती है वैसे प्रॉब्लम कौन कौन सी है? समस्या तो यही कि मैं मुँह खुरदी आ जाती है जी तो होर कई बीमारियां आ जाती है वैसे टीके लगते हैं वो टीके ला लेने से आप ही लाने लिया के जी सारा। तो बड़ी अच्छा चमत्कार जो हमें देखने को मिला सुना मैंने कई बार था कि कई बकरे दूध देते हैं मगर देखा कभी नहीं था और आज जो देखा है कुलवंत भाई के पास तो बड़ा मन खुश हुआ। आज की वीडियो में इतना ही फिलहाल अगली वीडियो में हाजिर होंगे तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हो, जहाँ कोई सूचना देना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।